हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और आपकी भी वीडियो पर जो व्यूज है वो एक के दो के आकर रुक जाता है और कभी कभी जीरो व्यूज आता है, कभी पांच व्यूज, कभी दस व्यूज, दोस्तों टेंशन लेना बंद कर दीजिए। आपने दोस्तों एक सही वीडियो पर क्लिक कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं उससे आपके एक के दो के व्यूज की जो समस्या है, पांच व्यूज की, जीरो व्यूज की, एकदम खत्म होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा काम बताऊंगा, एक दो काम आपको करना है, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को लगाने के बाद जो भी क्रिएटर लाइक उनके जीरो व्यूज आते हैं, पांच व्यूज आते हैं, दस व्यूज आते हैं, एक के दो के पर रुक गई है वीडियो, वो ट्रिक लगाकर उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट जरूर देखना है। आपको दोस्तों एक शॉर्ट क्रिएटर बनना है। शॉर्ट क्रिएटर क्यों बनना है? क्योंकि दोस्तों आप लॉन्ग क्रिएटर करके वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालकर अपने चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2023 के अंदर शॉर्ट वीडियो से 10 मिलियन इजीली कंप्लीट करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी मत करिए, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको पता है दोस्तों बकवास करने की आदत नहीं है, आपके लिए दोस्तों केवल वही लेकर आते हैं जो आपके लिए सही है। तो चलिए दोस्तों फिर देरी क्यों करते हैं, इस वीडियो को यहां पर विद प्रूफ यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फाइनल ट्रिक देने वाला हूं, उस ट्रिक को आप यूज करके अपनी शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं एंड वहां पर जो समस्या है जीरो की, पांच व्यूज की, दस व्यूज की, एक के दो के पर रुक गया है, तो उसको लगाकर आप यहां पर रिजल्ट देख सकते हैं, अपनी वीडियो के वायरल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और वो जो ट्रिक है उसको मैं विद प्रूफ इस मोबाइल के अंदर आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि शॉर्ट्स पर जो व्यूज है वो क्यों रुक जाता है। सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना होगा कि शॉर्ट्स पर मतलब शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती कैसे है, आखिर शॉर्ट्स के अंदर जो एल्गोरिथम है वो काम कैसे करता है। आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया, चाहे वो नया चैनल है या पुराना चैनल है, YouTube आपका इंप्रेशन जरूर भेजेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब भेजे ना, आपका इंप्रेशन जरूर भेजेगा। जो जीरो व्यूज है ना, वो मतलब एक पुराने क्रिएटर के साथ समस्या बनती है। वो कहते हैं भैया हमारे पहले तो व्यूज आ रहे थे लेकिन अभी जीरो व्यूज हो गया है, पता नहीं पांच व्यूज आ रहे हैं, दस व्यूज आ रहे हैं। नए क्रिएटर का इंप्रेशन जाता है। कैसे जाता है, अभी एक उदाहरण आपको दूंगा। तो इंप्रेशन YouTube लोगों के पास भेजेगा, आपकी वीडियो जाएगी, लेकिन आपकी वीडियो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि आपकी वीडियो पर जो वॉच टाइम है वो अच्छा नहीं आ रहा है। और वो अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, आपकी वीडियो लोगों के पास जाती है लेकिन वो उसे पूरा वॉच नहीं कर रहे हैं, आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनको, वो स्वाइप करके निकल जाते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है वॉच टाइम कम होने का कि आपकी जो वीडियो वो काफी लॉन्ग है, मतलब जो मटेरियल है वो तो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपने फिर भी आपकी जो वीडियो वो काफी लॉन्ग हो चुकी है, तो आपकी जो ऑडियंस है देखने वाले हैं वो मतलब पूरी वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं, तो वॉच टाइम कम आएगा, आपकी वीडियो वायरल होने से रुक जाएगी। और यही कारण होता है जब वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कम आता है तो उससे वॉच टाइम कम होता है, और जब वॉच टाइम कम आएगा तो आपकी वीडियो वहीं पर यूट्यूब रोक लगा देगा और उसे वहां पर स्टॉप कर देगा, फिर आगे आपकी वीडियो का इंप्रेशन नहीं जाएगा। अब ये वीडियो उन्हीं क्रिएटर के लिए जिनकी वीडियो रुक जाते हैं, पांच से दस व्यूज आते हैं, जीरो व्यूज आते हैं, वो एक काम करके यहां पर अपनी वीडियो को मतलब जो रुक गया है वीडियो उसे यहां पर दोबारा से बूस्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है, आपको अपना यहां पर वॉच टाइम बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी वीडियो को छोटा बनाइए, जैसे कि आपने लाइक बनाया 20 सेकंड का, तो नॉर्मली आपकी वीडियो लोगों के पास गई तो वो अगर 20 छोटा वीडियो बनाएंगे तो वो उसी हिसाब से काउंट करेगा जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, इंप्रेशन तो आपका जाएगा, लेकिन अगर वॉच टाइम अगर उस वीडियो पर अच्छा आ गया है तो उसके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक काम आप दोस्तों कर सकते हैं, अगर आपकी वीडियो पर व्यूज आता है, पांच से दस व्यूज आते हैं, तो ऐसा मत करिए, अभी फाइनल जो ट्रिक है वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा। आपको क्या करना है, अगर आपकी वीडियो पर जीरो या पांच से दस व्यूज आते हैं तो ऐसा मत करिए कि अपलोड करके आप बस बैठ गए, आप भाई देखते रहेंगे हमारा वीडियो कब वायरल होगा, कब इस पर व्यूज बढ़ेंगे। आप जैसे दोस्तों कई सारे क्रिएटर हैं जो ट्रिक लगाकर अपनी वीडियो को वायरल कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपकी वीडियो पर अगर जीरो से पांच दस व्यूज पर अगर वीडियो रुक गया है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने दोस्त का फोन लेना है, आपको अपने फोन से गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अब यहां पर जो व्यूज है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट हो रहा है शॉर्ट वाला। पहले नहीं था, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, हम अपनी आईडी से देखते रहते थे। अब आपको यह काम नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों के पास, या दो चार दोस्त होते हैं वो दो दो तीन तीन मेल आईडी बना के रखते हैं, आपको कम से कम 50 जो व्यूज है वो दोस्तों मतलब अपने दोस्तों के फोन से, फैमिली के, फ्रेंड वगैरह जो भी हैं उनसे अपनी वीडियो को 5 से 10 व्यूज वहां पर आपको दे देना है। वो कैसे देना है, लिंक शेयर कर दीजिए अपनी वीडियो का, वहां पर प्ले करते रहिए उसको, 5 से 10 व्यूज दे दीजिए ताकि एल्गोरिथम को पता चलेगा और पूरा पूरा वॉच करिएगा। ये चीज मैं बताना भूल रहा था, आपको फुल वॉच करना है, जब
तक वीडियो खत्म ना हो आपको मतलब हटाना नहीं है, और 5 से 10 बार एक एक आईडी से देख लीजिए, 50 व्यू जब आ जाएगा तो यूट्यूब को पता चलेगा कि अरे भाई ये वीडियो तो थोड़ा सा अच्छा है, वो आपके इंप्रेशन को दोबारा से भेजेगा। अगर आपका वीडियो फिर सही होता है तो वो गारंटी से वायरल हो जाएगा, ये मैंने करके देखा है। और एक चीज दोस्तों, यहां पर इंप्रेशन तो जाता है, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, किसी ने एक नया दुकान खोला और वहां पर वो सारी चीजें बेच रहा है, कोई ऑडियंस गई मतलब कोई नया ग्राहक गया, उसने चीनी लेके आया वहां से 1 किलो, ठीक है ना, वो अपने घर में लेके आया, अगर चीनी उसकी खराब होती है तो क्या वो दुकान जो ग्राहक है वो दोबारा से जाएगा उस दुकान पर लेने के लिए? क्यों जाएगा भाई जब चीनी खराब है तो। इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पर जो इंप्रेशन है वो अगर खराब आ रहा है, इंप्रेशन मतलब यूट्यूब तो भेज रहा है लेकिन आपकी वीडियो पर अगर वॉच टाइम खराब आ रहा है तो यूट्यूब भाई क्यों भेजने लगा, क्यों ऑडियंस को दोबारा से बताएगा कि भाई ये वीडियो अच्छा है? जब वीडियो अच्छा होता है तभी तो वो इंप्रेशन को बढ़ाता है, ऑडियंस के पास लोगों के पास जाती है और वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि अच्छा है। अगर चीनी अच्छा होगा, अगर चीनी अच्छा है तो वो 2-4 लोगों को और बताएगा, अपनी फैमिली वाले भी कहेंगे भाई वहीं से चीनी लेके आना, उस दुकानदार की बहुत बढ़िया चीनी हमें लगी है, तो वो वहीं पर जाएगा। तो इसी तरह से होता है, अगर आपकी वीडियो अच्छी है अपनी वीडियो हमेशा अच्छा बनाया करिए भाई, लोगों को मतलब सस्पेंस होना चाहिए और लोगों को अच्छा लगना चाहिए। लाइक करने के लिए एक जेन्युइन तरीका होता है, मतलब एक कॉल टू वे, एक अच्छे मतलब वे में आपको लाइक मांगना है, ऐसा नहीं उल्टा सीधा बोल के लाइक वगैरह मांग रहे हो, सही तरीके से लाइक मांगिए। इंप्रेशन तो जाता है लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, उस वजह से आपकी वीडियो जो है यहां पर रुक जाती है। अब फाइनल ट्रिक बताता हूं आपको, काफी चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे क्या काम करता है, लेकिन हाँ वीडियो को वायरल करने के लिए वॉच टाइम काफी ज्यादा जरूरी होता है, और ऑडियंस रिटेंशन जब आएगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो यूट्यूब को लगेगा भाई वीडियो काफी अच्छा है, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग इसको फुल वॉच कर रहे हैं, तो वो तो इंप्रेशन ऑटोमेटिकली भेजेगा और लोगों के पास, जब और भी अच्छा देखेंगे तो भाई वो तो आगे चलता ही जाएगा, फिर तो वीडियो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। मैंने भी अपने दोस्तों 51 मिलियन व्यूज आए मेरे शॉर्ट चैनल पर, मैंने काम करना उस पर बंद कर दिया, दिमाग खराब हो गया यहाँ पर, मतलब वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो बात छोड़िए, मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। अब तो मैं आपको एक फाइनल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, आप साइड में स्क्रीन पर देखिएगा फाइनल ट्रिक में आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है तो आपको ये जरूर से ट्राई करके देखना है। इसमें आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, साइड में आप देख लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा एक चैनल है ईतू प्रो मैक्स नाम से, 1 घंटे 60 मिनट पहले मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया है जिस पर 70 व्यूज आए 1 घंटे 60 मिनट के अंदर। ये मेरा बहुत पुराना चैनल था जो मैंने डिलीट कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं इस वीडियो को सबसे पहले डिलीट करूंगा। आपको इस तरह से वीडियो को डिलीट कर देना है जिस पर वीडियो व्यू रुक गए हैं, ठीक है ना। अब मैं इस वीडियो को दोबारा से अपलोड करूंगा, बच गए आज तो, मैंने टाइटल यहां पर बदल दिया है, तो आपको इस तरह से वीडियो को दोबारा अपलोड कर देना है डिलीट करके। ये देखो गाइस 1 घंटे 13 मिनट के अंदर इस पर 3600 व्यूज आ भी चुके हैं, और ये वीडियो मैंने बाद में देखा था कम से कम 50-60 हज़ार तक ये वीडियो चला गया था। अब ऐसा नहीं है कि डिलीट करके अपलोड किया तुरंत ही वीडियो वायरल हो गया, वीडियो कभी भी वायरल हो सकता है, कभी कभी हमारा यूट्यूब इंप्रेशन भी नहीं भेजता है, मतलब जो पुराने चैनल हो जाते हैं उसका इंप्रेशन रुक भी जाता है, तभी तो 0 व्यूज आते हैं। तो आप डिलीट करके रीअपलोड करेंगे तो इंप्रेशन आपका यहां पर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है, दोबारा से इंप्रेशन जाने लगता है। तो इस वीडियो के अंदर बस यही ट्रिक लगाया गया था कि इसको डिलीट करके रीअपलोड कर दिया, तो ये काम आप 2 बार करिएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपकी हर वीडियो पर भाई बिल्कुल 1 से 2 के, किसी किसी पर तो 5 से 10 के आ रहे होंगे भाई, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। जिस पर बिल्कुल भी व्यूज ना आए, 5 से 10 व्यूज आए, बिल्कुल 1 के से कम पर भी रुक गई है वीडियो, भाई चली नहीं रही है और आपको लगता है कि वीडियो हमने यार बहुत अच्छा बनाया था, तो ये एक ट्रिक होता है, इसको आप डिलीट करके दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं ताकि इंप्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए, दोबारा से जाने लगे। तो आप ये काम जरूर करिएगा। काफी सारे क्रिएटर के कमेंट आए कि सर आपने बताया था कि डिलीट करके रीअपलोड, मैंने करके देखा है और ये आपको मैंने प्रूफ यहां पर दिखा दिया है, स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा। तो यही दोस्तों कुछ ट्रिक्स होते हैं, इसको यूज करके आप भी अपने शॉर्ट चैनल पर जो प्रॉब्लम चल रही है 1-2 के व्यूज की, उसे यहां पर खत्म कर सकते हैं। लेकिन उन वीडियो से छेड़छाड़ नहीं करना है जो कि यहां पर 10-15 हज़ार व्यूज इन पर आ चुके हैं, क्योंकि वीडियो जो है ना 1-1 महीने बाद भी शॉर्ट्स वायरल हो जाते हैं। लेकिन भाई काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं फाइनल बोल रहा हूं क्योंकि भाई देखो अब कंपटीशन बढ़ने वाला है शॉर्ट्स के अंदर, 1 फरवरी से यहां पर मोनेटाइज स्टार्ट हो जाएगा, अर्निंग आपको शो होने लग जाएगा, मतलब बल्ले बल्ले होने वाली है शॉर्ट क्रिएटर की। लॉन्ग तो भूल ही जाइए भाई, लॉन्ग से तो कुछ होना ही नहीं है, शॉर्ट के जरिए चैनल को ग्रो कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग के जरिए चैनल ग्रो नहीं होने वाला है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा, डायरेक्टली बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके लिए बैठे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।